हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक प्रोजेक्ट्स। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में बात करेंगे एंड्रॉइड डेवलपर कैसे बने जीरो टू हीरो। अगर आप बनना चाहते हो एंड्रॉइड डेवलपर और अच्छा पैकेज ग्रैब करना चाहते हो तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना इस टाइम में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मार्केट में एंड्रॉइड डेवलपर्स की काफ़ी डिमांड है। तो उन सेम टाइम पे अगर आपने चूज़ कर लिया कि हाँ आपको एंड्रॉइड डेवलपर बनना है, तो सबसे मेन कन्फ्यूजन होती है कि एंड्रॉइड डेवलपर बने कैसे, उसमें क्या क्या चीज़ें करें ताकि आप एक जॉब रेडी या इंटर्नशिप रेडी डेवलपर बन सको। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टार्ट टू एंड। मैं सिर्फ इतना अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको सिर्फ इतना पता है कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट नाम की एक चीज़ मार्केट में होती है, एक ऐसी चीज़ है जिससे ऐप बनाए जाते हैं, और मैं कुछ भी अज्यूम करके नहीं चल रहा। ना आपको पता है जावा क्या है, कॉटलिन क्या है, किस आईडी में एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हैं, आपको कुछ भी नहीं पता। आपको सिर्फ इतना पता है कि एक एंड्रॉइड डेवलपर होता क्या है, डेट्स इट। सो इस वीडियो में पूरी चीज़ें देखेंगे स्टार्ट टू एंड, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, सारे एडवांस कॉन्सेप्ट देखेंगे कि एक एंड्रॉइड डेवलपर को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, एंड देन आपको उस पाथ को फॉलो करना है, एंड देन एट द एंड ऑफ दैट पाथ आप एक मार्केट रेडी एंड्रॉइड डेवलपर बन जाओगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले मैं एक वाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ क्लैरिटी के लिए। सो यहाँ पे लिख के स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग होती है कि अगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट करनी है तो सबसे बड़ा डाउट होता है कि किस लैंग्वेज में एंड्रॉइड डेवलपमेंट करनी चाहिए, जावा और कॉटलिन। सो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ ना आपको जावा आती है ना कॉटलिन आती है, तो आप कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन कॉटलिन पे ज़्यादा रहेगी, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप डेटा स्ट्रक्चर भी करना चाहते हो साइड बाय साइड डेवलपमेंट के, तो जावा से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू है नहीं, जावा अभी आउटडेटेड नहीं हुई है। तो सबसे पहली चॉइस आपको मेक करनी है कि आपको कौन सी लैंग्वेज करनी है, जावा और कॉटलिन। अगर सिर्फ एंड्रॉइड डेवलपमेंट पर फोकस रखना है तो कॉटलिन से स्टार्ट कर लेना। अगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट साथ साथ सब डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट भी करने हैं तो जावा से स्टार्ट कर लेना, कॉटलिन पे धीरे धीरे माइग्रेट हो जाएंगे। ठीक है, तो जावा और कॉटलिन यहाँ पे आ गए हैं कि कौन सी लैंग्वेज आपने चूज़ कर लिया है। नाउ लैंग्वेज चूज़ करने के बाद मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने इन दोनों लैंग्वेज में से अभी आपने जस्ट चूज़ किया, आपको पता नहीं है कि कॉटलिन क्या होती है, जावा क्या होती है, आपने जस्ट चूज़ किया। देन इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको कुछ प्रोग्राम्स बनाने हैं इसमें। आप जो भी लैंग्वेज चूज़ करोगे, वेदर इट इज़ अ जावा वेदर इट इज़ अ कॉटलिन, आपको कुछ बेसिक प्रोग्राम बनाने हैं एडिटर में कि ये लैंग्वेज वर्क कैसे करती हैं, लाइक हाउ टू क्रिएट एन अरे इन दिस लैंग्वेजेस, स्ट्रिंग्स कैसे लेते हैं, इंटीजर्स कैसे लेते हैं, और सम बेसिक इनपुट एंड आउटपुट प्रोग्राम जो आप सी लैंग्वेज में आपने बनाए होंगे, तो वही वाले प्रोग्राम सबको बनाने हैं। देन इतना करने के बाद अब आपको करना है कि आपको सबसे पहले जिसमें एंड्रॉइड स्टूडियो, आपको एंड्रॉइड सीखनी है तो आपको प्रोग्राम्स बनाने होंगे, एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, तो आप बनाओगे कहाँ पे? तो बनाने के लिए एक आईडी होती है जिसका नाम होता है एंड्रॉइड स्टूडियो, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो मैक के लिए, विंडोज़ के लिए, जो भी आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है। बेटर है कि अगर आपके पास 8GB रैम है तो भी ये परफेक्टली वर्क करेगा, अदरवाइज सम लैगिंग इशू आपको मिल सकते हैं, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। और ये काफ़ी टाइम लेता है फर्स्ट टाइम जब आप लोड करते हो, स्टार्ट करते हो, तो ये चीज़ें भी होती हैं। सो आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ डाउनलोड करनी है, डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो आईडी। और भी काफ़ी सारी आईडी होती हैं जिसमें आप एंड्रॉइड स्टूडियो के प्रोजेक्ट बना सकते हो, लाइक विजुअल कोड एडिटर बना सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड सबसे आईडी जो है वो है एंड्रॉइड स्टूडियो की आईडी। देन ठीक है, देन इसके बाद आपको क्या सीखना है कि एंड्रॉइड स्टूडियो आईडी डाउनलोड करने के बाद आपने एक लैंग्वेज चूज़ कर ली है जावा कॉटलिन, एक प्रोग्राम्स आपने बना लिए हैं उसमें, देन आपने आईडी डाउनलोड कर लिए जिसमें एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स बनेंगे। अब सबसे पहले आपको सीखना है कि एंड्रॉइड स्टूडियो वर्क कैसे करता है। एंड्रॉइड स्टूडियो एक सिर्फ एक आईडी नहीं है, ये अपने अंदर ही अंदर एक काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो उसमें आपको सबसे पहले चीज़ें सीखनी है कि इसमें प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। प्रोजेक्ट्स में मेरा सेंस उस प्रोजेक्ट से नहीं है कि आपको कोड लिखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि एक नया प्रोजेक्ट एंड्रॉइड स्टूडियो आईडी में कैसे क्रिएट करते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कैसे ओपन करते हैं, इसकी एंड्रॉइड स्टूडियो की सेटिंग्स वगैरह कैसे चेंज करते हैं, या फिर रीसेंट ऐप्स कैसे, रीसेंट प्रोजेक्ट कैसे ओपन करते हैं। एंड अगर आप एक न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे एंड्रॉइड में तो एक बाय डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट बनेगा, तो उसको आप रन कैसे करते हैं एमुलेटर में और रियल डिवाइस में। अगर आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया है तो आप एमुलेटर में रन कर सकते हो, अदरवाइज आपको अपने एंड्रॉइड प्रोजेक्ट रियल डिवाइस में रन करना होगा। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर कि एक नया प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कैसे ओपन होगा, रीसेंट प्रोजेक्ट्स की लिस्ट कैसे ओपन होगी, एमुलेटर में कैसे या रियल डिवाइस में कैसे आपका प्रोजेक्ट रन होगा। क्योंकि
जब आप ये चीज़ें आप रियल प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करोगे तो इन सब की रिक्वायरमेंट आएगी तब उस टाइम। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें सीखनी है। देन हमारी ये होगी जावा कॉटलिन प्रोग्राम्स हो गए, आइनो स्टूडियो आपने प्रोजेक्ट बना लिया और हेलो वर्ल्ड आपने रियल एमुलेटर पे रन कर लिया यहाँ तक। देन इसके बाद आपको समझना है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एनो स्टूडियो के अंदर। एनो स्टूडियो होता है, इसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होते हैं। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर से मेरा सेंस ये है कि इसके अंदर हमारी कुछ स्ट्रिंग्स फाइल्स होती हैं, देन कलर्स फाइल होती है, कलर्स का क्या यूज़ हुआ है, देन हमारे पास इसके अंदर ड्रॉबल फाइल्स होती हैं, ग्रेडल होता है, मैनिफेस्ट होती है। तो जो भी आप एक नया प्रोजेक्ट फ्रेशली क्रिएट करोगे एनो स्टूडियो में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो आपको सारी चीज़ें वन बाय वन स्टैक ओवरफ्लो पे या फिर एनो स्टूडियो के ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्च करनी है, आपको सबके आंसर मिल जाएंगे कि कौन सी फाइल क्या कंटेन करती है और क्यों कंटेन करती है। देन हमारी थीम्स भी होती है, तो इसी बेस पे आपको चलना होगा। अगर आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है आगे चल के, तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि स्ट्रिंग फाइल, ड्रॉबल, क्रेडल, मैनिफेस्ट, थीम्स एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ तक आपको एक बेसिक आइडिया लग चुका है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट में घुसना कैसे है एंड एक प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। सिंपल बेसिक हेलो वर्ल्ड हो, लेकिन बनाना कैसे है। तो इतना करने के बाद अब आता है हमारा सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में एंड्रॉयड स्टूडियो, अगर कोई भी एक एंड्रॉयड प्रोजेक्ट है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले उसका यूआई होता है, जो यूज़र को दिख रहा है। देन यूआई के साथ इंटरेक्शन होने के बाद जो चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं वो बैकएंड की चीज़ें हैं, वो भी एंड्रॉयड डेवलपर इंटीग्रेट करता है, लेकिन वो बाद की चीज़ है। पहले स्टेप टू में हमें यूआई एलिमेंट्स बनाने सीखने होंगे कि यूआई एलिमेंट्स बनते कैसे हैं। अब रिसेंटली में एंड्रॉयड डेवलपमेंट में एक चीज़ आई है, जेटपैक कंपोज। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप एकदम फ्रेशर हो तो जेटपैक कंपोज पर अभी मत जाना, XML से स्टार्ट करना, क्योंकि एक UI की लिटिल बिट क्लैरिटी XML में भी होनी चाहिए आपको। कल को आप किसी कंपनी में काम करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जिस्टिंग कोड बेस होगा उनका और XML में ही लिखा होगा, तो आपको XML पे काम करना तो आना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 2-3 महीने तक तो आप XML पे काम करो, देन आप Jetpack Compose पे मूव कर सकते हो, इसमें कोई इतना बड़ा इशू आएगा नहीं। और अगर आपने जावा चूज़ करी है तो नो डाउट आपको XML करनी होगी, क्योंकि अगर आपने Kotlin करी है तो आप Jetpack Compose स्टिल कर सकते हो। बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि पहले XML थोड़ी सीखना, देन Jetpack Compose पे मूव करेंगे। वो अभी लेटेस्ट है, अभी वो स्टेबल नहीं है, उसमें काफ़ी सारे बग्स हैं एंड वो टाइम के साथ साथ धीरे पॉलिश होगी, तो उसको बाद में देखेंगे। तो अभी XML, अब XML आपने चूज़ कर लिए, आपको UI एलिमेंट्स बनाने हैं। अब UI एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? UI एलिमेंट्स बनाने के लिए आपको लेआउट्स पहले समझने होंगे कि किस लेआउट में UI एलिमेंट्स बनाने हैं। रिलेटिव लेआउट होता है, लीनियर होता है, फ्रेम होता है। तो ये जैसे आप सर्च करोगे ऑनलाइन तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और एक मैं रिटर्न डॉक्यूमेंट भी दे दूंगा इसका, जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। एक PDF दूंगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी ये चीज़ें रिटर्न में देख सकते हो। मेरा मेन मोटिव है कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। फ्रेम होता है, देन कंस्ट्रेंट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में कंस्ट्रेंट लेआउट पूछा जाता है, तो कंस्ट्रेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको ये डीमोटिवेट कर सकता है, क्योंकि कंस्ट्रेंट थोड़ा मुश्किल लेआउट होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा थोड़ा रिलेटिव से हाथ मार लेना, थोड़ा लीनियर पे हाथ मार लेना एंड कंस्ट्रेंट पे धीरे धीरे मूव ऑन होते रहना एंड धीरे धीरे इस पे पकड़ बनाना। तो रिलेटिव से बना सकते हो, लीनियर से बना सकते हो। अब आपने चूज़ कर लिया लेआउट, आपने लेआउट ये स्टार्ट करना है। देन उसके बाद आपको एलिमेंट्स लेने होंगे, कि आपको सीखना होगा कि कुछ बेसिक एलिमेंट्स लेते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल होते हैं बटन्स, बटन कैसे लेते हैं स्क्रीन पे, टेक्स्ट व्यूज और ये सारी बेसिक चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड होती है, रेडियो बटन, एडिट टेक्स्ट एंड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, इनके ऊपर ऑन क्लिक लिसनर कैसे लगाते हैं, ताकि आपने जो डेटा गेट कर रहे हो या अगर आप बटन पे क्लिक कर रहे हो तो आपको जो भी परफॉर्म कराना है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। और ऑन क्लिक लिसनर एक जावा का पार्ट है एंड ये सारी चीज़ XML का पार्ट है, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी। देन इसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स UI एलिमेंट्स भी आते हैं एंड्रॉयड में। देन इसके बाद आती हैं चीज़ें, रिसाइकलर व्यूज़ क्या होते हैं, लिस्ट व्यूज़ क्या होती हैं, तो वो भी लिख देता हूँ, रिसाइकलर व्यू, लिस्ट व्यू एंड ऑल फ्रेगमेंट्स, बॉटम शीट्स। एंड जब आप ये चीज़ें बनाओगे, रिसाइकलर व्यू, लिस्ट व्यू, तो आप थोड़ा बहुत जावा का कोड भी लिख रहे होंगे साथ साथ, तो आपको जावा की क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो लेआउट्स आपने सीखे, देन उसके बाद एलिमेंट्स बनाना सीखे कि एलिमेंट्स कैसे लेते हैं स्क्रीन पे, बटन कैसे लेते हैं, रिसाइकलर व्यू कैसे लेंगे। एंड इसके बाद है मेन कि आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी मूव कैसे करोगे, क्योंकि अगर आपने क्लिक लगाया फॉर एग्जांपल बटन पे, तो आप कुछ परफॉर्म कराना चाहोगे, एक बेसिक थिंग है।
तो आप न्यू एक्टिविटी पे जा सकते हो, तो आपको इंटेंट्स पढ़ने होंगे यहाँ पे। इंटेंट्स कैसे यूज़ करते हैं एंड्रॉइड में, इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटेंट काफ़ी। तो देन जब आप इतनी सारी चीज़ें कर लोगे, एक प्रोजेक्ट बनाना, देन उसके अंदर कुछ बटन टेक्स्ट व्यू लेके एक सिंपल बेसिक प्रोजेक्ट बना सकते हो। सिंपल बेसिक प्रोजेक्ट से मेरा मतलब है कि आपने एक एडिट टेक्स्ट लिया, उसमें आप यूज़र का नेम ले रहे हो, जैसे ही बटन क्लिक करोगे तो टेक्स्ट व्यू पे आप उसका नेम शो कर सकते हो। तो ये सारे बेसिक चीज़ें हैं। आपने एक डमी डेटा लिया, उसके अंदर रिसाइक्लर व्यू कैसे बनाना सीखा, तो ये सारे ट्यूटोरियल्स मेरे ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। कैलेंडर कैसे लेते हैं, टाइम कैसे लेते हैं, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। तो जब ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप आप कंप्लीट कर लोगे, तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि सिर्फ एक एंड्रॉयड प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, एक बेसिक वाला जो कि 10-15% हो सकता है एंड्रॉयड का पार्ट हो। देन इसके बाद आती है, अभी तक आपका एंड्रॉयड ऐप ना बैकेंड से कनेक्ट है, ना इसमें किसी तरह की स्टोरेज है। फॉर एग्जाम्पल आपने व्हाट्सअप देखा होगा, आपका चैट वहीं स्टोर रहते हैं, आप कभी ओपन कर लो। तो ये सारी चीज़ें इसमें अभी तक कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक बेसिक एप्लीकेशन है। तो आप आते हैं स्टेप थ्री के पास। स्टेप थ्री में आपको देखना है कि स्टोरेजेस कैसे लेते हैं। सो स्टेप थ्री में देखते हैं कि स्टोरेजेस के साथ कैसे काम करना है। तो सबसे पहले आपको स्टोरेजेस सीखनी है। स्टोरेजेस में हमारे पास आता है शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ये बात बहुत काम की चीज़ है। देन रूम डेटाबेस इस टाइम यूज़ हो रहा है, पुराने टाइम पे SQL यूज़ होता होगा, तो आप कई वीडियोस देखोगे ऑनलाइन तो SQL की मिलेंगे आपको। तो ये सारी लोकल स्टोरेज हैं, इनका बैकएंड से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपकी फ़ोन की मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर करके रखेंगे। अगर आपने कोई भी डेटा सेव कराया है तो ये आपके फ़ोन के अंदर रहेगा। अगर आप इसे अनइंस्टॉल कर दोगे अपनी एप्लीकेशन, तो ये सारा डेटा भी उड़ जाएगा। तो इसका बैकएंड से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रूम डेटाबेस को एक्सप्लेन करने के लिए आप नोट्स ऐप बना सकते हो। शेयर्ड प्रेफरेंसेज आपने वो चीज़ देखी होगी, क्योंकि अगर आप किसी ऐप में लॉगिन करते हो तो देन सेकेंड टाइम अगर ऐप ओपन करते हो तो आप उसमें ऑलरेडी लॉग इन होते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, स्टोरेजेस में आती हैं। देन स्टोरेजेस पे काम करने के बाद आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज के साथ काम करना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, APIs। तो मैं बेसिकली लिख देता हूँ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। अब थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की कैटेगरीज होती हैं अलग अलग। फॉर एग्जांपल अगर आपको नेटवर्किंग परफॉर्म करनी है तो आप यूज़ करोगे रेट्रोफिट। अब ये रेट्रोफिट क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक न्यूज़ ऐप बनाना चाहते हो, न्यूज़ ऐप बनाने के लिए आपके पास न्यूज़ तो है नहीं, आप न्यूज़ कहीं से लोगे, तो किसी वेबसाइट ने न्यूज़ बना के अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है, उसने एक URL दिया आपको कि आप इस URL को हिट करो और आपको न्यूज़ मिल जाएंगे सारे, तो आप वही न्यूज़ अपने ऐप में दिखा दोगे तो आपका न्यूज़ ऐप रेडी हो जाएगा। तो उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए वो जो URL है वो एक API है, और उस API को हिट करने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसका नाम होता है रेट्रोफिट। तो नेटवर्किंग के अंदर आता है रेट्रोफिट। नाउ लेट अस सपोज अगर आपके पास कोई इमेज है आपको दिखानी है, तो उस इमेज को दिखाने के लिए आपको एक और लाइब्रेरी यूज़ करनी हो सकती है, जो होती है ग्लाइड। तो ग्लाइड का आपको यूज़ करना होगा। देन अगर आपको मल्टी थ्रेडिंग करनी है, मल्टी थ्रेडिंग एक एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाता है, लेकिन आप अगर करनी है मल्टी थ्रेडिंग तो आप कुछ भी कोरूटीन्स यूज़ कर सकते हो जो कि बैकग्राउंड में वर्क करें, या फिर RxJava वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ये एकदम लास्ट स्टेप है, जब आपका एंड्रॉयड पे थोड़ा हैंड्स ऑन हो जाए देन आप मल्टी थ्रेडिंग पे मूव करना। तो स्टोरेज हो गया, नेटवर्किंग हो गया, देन इसके बाद आपको काम करना सीखना होगा बेसिक फायरबेस पे। फायरबेस पे कैसे काम करते हैं, फायरबेस में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि OTP ऑथेंटिकेशन क्या होता है, उसके अंदर रियल टाइम डेटाबेस में आप डेटा स्टोर कर सकते हो, ताकि अगर आपका कल का फ़ोन अनइंस्टॉल हो जाता है लेकिन अगर आप अगेन लॉगिन करते हो तो वो सारा डेटा आ जाएगा। तो मैंने फायरबेस के साथ भी एक नोट्स ऐप बना रखा है, एक चैट ऐप बना रखा है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। वीडियोस के ट्यूटोरियल सारे चैनल पे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो आपको मोस्टली लिख देता हूँ क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, OTP ऑथेंटिकेशन या ईमेल ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए फायरबेस का। देन इसके बाद आपको रियल टाइम डेटाबेस, क्लाउड डेटाबेस, क्लाउड फायरस्टोर नाम से एक चीज़ है। देन अगर आप अपने ऐप में इमेजेस स्टोर कराना चाहते हो तो स्टोरेज नाम की चीज़ होती है, इमेजेस या PDF। एंड लास्ट में चीज़ होती है नोटिफिकेशन FCM, ये काफ़ी एडवांस टॉपिक रहते हैं, तो इसको आप अभी के लिए छोड़ सकते हो और इन चारों चीज़ों के साथ आप जा सकते हो। तो देन अगर आपने ये सारी चीज़ों को यूज़ करके एक एप्लीकेशन बना ली है, तो आप कह सकते हो कि हाँ अब मैं एंड्रॉयड डेवलपर हूँ एंड नाउ आई एम एबल टू गेट अ जॉब और एबल टू गेट अ इंटर्नशिप। डेफिनेटली, क्योंकि कोई आप कितनी भी खुद से ट्राई कर लो सीखने की, लेकिन जब तक आप एक इंटर्नशिप नहीं करोगे किसी कंपनी में, एक जॉब नहीं करोगे, तो आपको हैंड्स ऑन, रियल हैंड्स ऑन नहीं होगा प्रोजेक्ट्स पे कि बड़े प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं। लेकिन इतनी सारी स्किल्स के बाद, इतने इन सब का यूज़ करके अगर आपने कुछ एप्लीकेशन बना ली, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन किसी ना किसी कंपनी में हो जाएगा, नो डाउट। नाउ अगर आपको सिलेक्शन और स्ट्रॉन्ग करना है, तो हम आते हैं लास्ट चीज़ पे, जो अगर आपको पता होंगे तो आपका डेफिनेटली किसी भी कंपनी में सिलेक्शन हो सकता है।
तो वो चीज़ है, सबसे पहली चीज़ होती है सर्विसेज ब्रॉडकास्ट एंड कंटेंट प्रोवाइडर्स, ये लास्ट चीज़ है एंड्रॉयड की। देन इसके बाद एंड्रॉयड काफ़ी बड़ी है, लेकिन अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो इसके बाद आप कोई सा भी ऐप बना सकते हो, कोई सा भी जो आपका, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। सर्विस ब्रॉडकास्ट एंड कंटेंट प्रोवाइडर्स, सर अब एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ कि सर्विसेज क्या होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी व्हाट्सअप यूज़ किया होगा, तो आपने अगर आपने अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर कर रहे हो काफ़ी बड़ी, जो कि 50 MB या 100 MB की वीडियो आपने शेयर करी, तो जब वो तक शेयर हो रही है, अगर आप ऐप रीसेंट से क्लोज़ कर देते हो तब भी वो वीडियो चली जाती है आपके फ्रेंड को, ऐसा तो नहीं होता कि वो क्लोज़ हो जाएगी। तो ये सारा यूसेज होता है सर्विसेज का। अगर आपने सर्विसेज लगा रखी है अपने ऐप में तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज आप नॉर्मल ट्राई करोगे तो एक्टिविटी की लाइफ साइकिल होती है कि जैसे आप ऐप को क्लोज़ करोगे वो एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है। तो ये सारी एक्टिविटी लाइफ साइकिल आपको कहाँ पर पढ़नी है, यहाँ पे पढ़नी है। जब आप यहाँ सीख रहे होगे एक नया प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, रिसेंट प्रोजेक्ट, तो आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी बेसिक चीज़ें। यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल और एक्टिविटी क्या होती है, ये एक बेसिक चीज़ यहाँ लिखना भूल गया, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी लाइफ साइकिल। देन इसके बाद ब्रॉडकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ऐसे एप्लीकेशन यूज़ करे होंगे, जैसे आप लॉगिन करते हो तो ओटीपी आता है, तो ऑटोमेटिकली ओटीपी डिटेक्ट हो जाता है, तो ब्रॉडकास्ट की हेल्प से होता है। आपके फ़ोन में कुछ भी हो रहा है, आपके फ़ोन का जब चार्ज खत्म होने वाला होता है तो आप देखते हो आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है, बैटरी लो, बिलो देन 20%, 10%, ये सारे ब्रॉडकास्ट की हेल्प से चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये थोड़ी एडवांस चीज़ें होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत इनमें कर लेते हो चीज़ें, तो आप डेफिनेटली स्टैंड आउट कर जाओगे अपने इंटरव्यू में। देन वन मोर थिंग, सर्विसेज के साथ एक और चीज़ आ रही है, वर्क मैनेजर। तो वर्क मैनेजर सर्विसेज का एक अल्टरनेटिव कह सकते हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, लेकिन ऑलमोस्ट दोनों का वर्क सेम होता है। देन लास्ट चीज़ होती है कंटेंट प्रोवाइडर। कंटेंट प्रोवाइडर का काम होता है कि एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में डेटा शेयर करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक इंस्टा पे वीडियो देखी तो आप उसे शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे, तो वो सारी चीज़ें किससे हेल्प होती है, कंटेंट प्रोवाइडर से। देन इसके बाद आपको कुछ और चीज़ें सीखनी होंगी, जैसे आप ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत किट एंड गिटहब भी आना चाहिए। बेसिक नॉलेज इनफ है, ज़्यादा की घुसने कोई नीड नहीं है, क्योंकि जब आप कंपनी में जाओगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वहीं सीखोगे, तो यहाँ पे ज़्यादा मत सोचना कि ये चीज़ नहीं आ रही, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए कैसे एक पुश को, प्रोजेक्ट को पुश कैसे करते हैं, पुल कैसे करते हैं, ब्रांच कैसे बनाते हैं, बस ये सारी इतनी बेसिक चीज़ें। देन ये सारा करने के बाद आपने कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स बना लिए, देन आपको कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, देन जिसके हेल्प से आपको काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनिंग मिल जाएगी कि हाँ अब आप एंड्रॉयड डेवलपर बनने के लिए पूरे रेडी हो। तो कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम लिख देता हूँ, जैसे न्यूज़ ऐप आपने बना लिया सर्विसेज का यूज़ करके, और फायरबेस का यूज़ करके, स्टोरेज का यूज़ करके आपने न्यूज़ फेच करी कहीं से और आपने स्टोर कर दी, ताकि यूज़र का अगर इंटरनेट कनेक्शन ऑफ है तब भी वो न्यूज़ देख सके। देन आप चैट ऐप बना सकते हो, इसमें आप लेटेस्ट कॉटलिन की चीज़ें यूज़ कर सकते हो, लाइव डेटा, जब अगर आपने अभी तक जावा पे काम कर रहे थे तो आप कॉटलिन के साथ चैट ऐप बना सकते हो, जिसमें आप लाइव डेटा का यूज़ कर सकते हो, फ्लो का यूज़ कर सकते हो, वगैरह वगैरह। देन आप व्हाट्सअप स्टेटस सेवर ऐप बना सकते हो, न्यूज एंड नोट्स ऐप बना सकते हो, ई कॉमर्स ऐप बना सकते हो, तो काफ़ी सारे एप्लीकेशन बना सकते हो, लेकिन अगर आपने 5-6 एप्लीकेशन बना ली तो आपको एंड्रॉयड की काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। देन अभी तक हम जो भी एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स बना रहे थे उसमें हम कोई आर्किटेक्चर फॉलो नहीं कर रहे थे, तो अगर आप कोई आर्किटेक्चर फॉलो नहीं कर रहे तब भी आप एक आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे होते हैं MVC। सो एंड्रॉयड में एक आर्किटेक्चर बाय डिफॉल्ट फॉलो होता है MVC, तो आप वो उसे फॉलो कर रहे थे, लेकिन आपका कंपनीज में डिमांड किसकी आ रही है, MVVM। तो अब कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स आप MVVM का यूज़ करके बना सकते हो। तो MVVM के लिए कॉटलिन कंपेटिबल है, जावा में वो इतना कंपेटिबल नहीं है, तो MVVM अगर आपको यूज़ करना है तो आपको कॉटलिन में ही प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। तो ये चीज़ आप एट द एंड आप सीख सकते हो, या फिर इसे बीच में ही प्रैक्टिस में ले सकते हो, ताकि आपकी ये टाइम टू टाइम चीज़ें पॉलिश होती जाएँ। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में मोस्टली इतना ही है कि, और एंड्रॉयड डेवलपमेंट काफ़ी बड़ी है, चैनल पर देखोगे तो काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन ओवरऑल अगर एक ब्रीफ में बोलूँ किसी को कि अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट करनी है 0 to 0, तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके वो इस चीज़ को कर सकता है, और इस चीज़ को करने के बाद मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो एक इंटर्नशिप या एक जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएगा और कोई भी उसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जिसमें आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हैं। यहाँ पे तो सिर्फ मैंने जैसे रिसाइकल व्यू लिस्ट फ्रेगमेंट बॉटम शीट सिर्फ ये लिखा है, लेकिन और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें एक PDF की फॉर्म में आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी।
सो एंड्रॉइड डेवलपमेंट अगर अभी अभी तक आपने स्टार्ट नहीं की तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट को जल्दी स्टार्ट करो, क्योंकि एंड्रॉइड डेवलपमेंट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोप है। तो आई होप कि आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अगर आप मेरे को इंस्टा पे भी DM कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको आंसर मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।